Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our 6th chapter, the junk cellar. Junk cellar में हमने बहुत सारे solve the problems किए, जिसमें prize list हमें मिली थी किरण की और दीनू की. तो किरण कितने rupees में earn कर लेती थी, buy करती थी and फिर वो कितने rupees में sell करती थी, उसके base पे हमने सारे sums किए. आज अब दूसरा है multiplication. तो multiplication multiply जो होता है आपको पता है कि एक तो डिजिट है, बट यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट मेथड के साथ मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वैसे ये मेथड हमें थर्ड स्टैंडर्ड में भी हमने की है, पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई होगी आपकी. तो यहाँ पे फिर से वही मेथड, टेंस और वंस को अलग करके फिर उसको मल्टीप्लाई करना है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है 37 मल्टीप्लाई 18. तो 37 को पहले डिवाइड करो. 37 दैट मीन्स 30 प्लस 7 एंड देन 18 दैट मीन्स 10 प्लस 8. तो 18 हुआ 37 दैट मीन्स 30 प्लस 7 एंड 18 दैट मीन्स 10 प्लस 8. तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेंस और वंस को डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया. अब इसी के बेस पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला जो नंबर होता है, इसे हमें यहाँ लिखना है 30, यहाँ पे आएगा 7. देन ये जो 10 एंड 8 है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 10 एंड देन 8. सॉरी, 10 एंड यहाँ पे आएगा 8. अभी इसी को हम पहले बॉक्स बना लेते हैं. ओके, इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है और यहाँ से ये. तो क्या होगा कि आपका मिक्स नहीं हो जाएगा सब. अभी हमें क्या करना है, इस तरह से बॉक्स बना लिया. अभी हमें 30 मल्टीप्लाई पहले ये दोनों को, फिर इसको इसके साथ. ओके, तो पहले 30 ये वाला जो नंबर है वो पहले लिख दो, 30 मल्टीप्लाई 10. तो और फिर यहाँ पे क्या है, 7. तो 7 मल्टीप्लाई 10 हो गया. फिर यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई 3 एंड 8 मल्टीप्लाई 7, वही करना. तो सेम किया यहाँ पे, 30 मल्टीप्लाई 8 एंड 7 मल्टीप्लाई 8. आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए क्या करना है, देखो पहले से मैं बोल रही हूँ कि 37 मल्टीप्लाई 18. पहले क्या करना है, टेंस एंड वंस को अलग कर देना है. 37 है तो 30 प्लस 7 एंड 18 है तो 10 प्लस 8. फिर जो ये वाला इस साइड वाला नंबर है उसे कहाँ लिखना है, ऊपर 30 एंड 7. फिर 10 एंड 8 है तो 10 एंड 8. अभी दो कॉलम बॉक्स बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा. आपको क्या करना है, पहले 30 मल्टीप्लाई 10 7 मल्टीप्लाई 10.
तो यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं है, जैसे यहाँ पे तो 10 है क्योंकि यहाँ 10 है और ये 8 है 7 और ये वाला 8 और 7 8 का 56, यहाँ पे सीधा 56 लिख देना है। अभी हमें क्या करना है, इतना करने से हमारा सम कंप्लीट नहीं होगा है, अभी और भी करना है। तो क्या करना है, ये सबको प्लस करना है 300 जो इज इक्वल टू वाले जो फिगर है 300 प्लस 240 प्लस 70 प्लस 56। क्या करना है, अब सबको प्लस कर देना है। कौन से वाले नंबर को, देखो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए ये सब लाइन वो सब कर रही हूँ, आपको ये सब गंदा नहीं करना है ना अपनी नोटबुक में, ये सब ये आप समझ लो। इसलिए मैंने एरो किया है कि किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है और कौन से नंबर को हमें ऐड करना है। और हमें ये वाले 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे 3 जगह पे 0 है, लास्ट में 6 है तो 6 का 6, 4 प्लस 7, 7 को माइंड में रख लो, 4 में फिंगर में 7 के बाद 8 9 10 11 11 में 5 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 11 के बाद 12 13 14 15 एंड 16, 16 का 6 होगा नीचे एंड 1 आएगा ऊपर कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 में 2 ऐड कर दो 5 एंड 6, तो 666। चलो अभी हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है हम चेक कर ले, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, वो आपको नहीं करना है बट मैं बता रही हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 0 1 7 7 1 3 3 7 8 का 56 का 6 नीचे 5 होगा ऊपर के 8 3 24 24 में 5 ऐड करो तो 29, यहाँ पे 6 का 6 7 प्लस 9 16 का 6 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी 3 प्लस 1 4 5 एंड 6। देखा ये हम सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, सिंपल जो हमारा मेथड है मल्टीप्लिकेशन का वो ये है, इस तरीके से करते हैं ना हम। बट यहाँ पे हमें दूसरी मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वाले सम को आपको 2 मार्क्स का है, ये वाला सम आपको 2 मार्क्स के हो गए क्योंकि यहाँ पे पूरी लंबी प्रोसेस हमें करनी है। तो यहाँ पे जिस तरह से 10s और 1s को अलग करो, फिर उसका उसको मल्टीप्लिकेशन करो 2 नंबर से, फिर उसका जो आंसर है उसको इस तरह से ऐड करो, फिर लास्ट में लिख देना है इस तरह से, क्या लिखना है, 37 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 666। तो क्या हो जाएगा कि कभी कभी आप इतना एक के नीचे एक सारा लिखते जाते हो ना, तो पता ही नहीं चलता कि आंसर क्या है, कि आप इस तरह से प्रॉपर नहीं लिखा है तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर क्या है। तो आपको इस तरह से अलग से लिख देना है तो इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट नंबर, इसी मेथड से हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर 45 मल्टीप्लाई 24, सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करनी है। 45 है तो यहाँ पे पहले तो 10s और 1s को अलग कर,
ये बन गया बॉक्स हमारा। अभी हमें पहले क्या मल्टीप्लाई करना है, 40 मल्टीप्लाई 20, 40 मल्टीप्लाई 20, फिर 5 मल्टीप्लाई 20, ये ऊपर का 5 तो यहाँ लिखा 20, कहाँ से लिया हमने, यहाँ से। तो ये दोनों बॉक्स में स्लीपिंग लाइन में दोनों जगह पर 20 आएगा, ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन में दोनों जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 40 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 4। अभी ये सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 2 8 4 2 8 एंड देन 8 की जीरो नहीं रखना है, दोनों जगह पे जीरो है ना, 4 के बाजू में भी जीरो है और 2 के बाजू में, मतलब 40 मल्टीप्लाई 20 करना है, तो यहाँ पे 2 जीरो आएगी, 1 की जीरो नहीं रखना है। ओके देखो ये आप प्रॉपर तरीके से समझ लेना, नहीं तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसा करते थे लास्ट ईयर भी जब ये हमारा था ही थोड़ा सा, हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ आपने सीखी है, तो आप क्या करते थे कि ये सारी चीज़ें फिर से रफ में मल्टीप्लिकेशन करने जाते थे। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन रफ में करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको 1 to 10 की टेबल आती है तो यहाँ पे आपको ईजीली ये वाले सम आप कर पाओगे, जैसे 4 2 8 करना है बस, बाकी 0 का 0 ही रहने वाला है। देन नेक्स्ट 5 2 5 2 10 10 एंड देन यहाँ पे 2 के पीछे 0 है, 20 है, तो यहाँ पे आएगा दूसरा 0, तो हो गया 20 मल्टीप्लाई 5, 20 की टेबल आती है तो 25 100। देन यहाँ पे है 4 4 एंड देन तो 0 ही है, तो 4 4 16 एंड ये वाला 0, तो 116। फिर 5 4 20, देखो इजीली हो गया मल्टीप्लिकेशन बिना हमें इस तरह से, देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया इस तरह से, आपको वो सब ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये 0 0 वाले हैं, टेंस और वंस को अलग कर देंगे, तो ये एक बेनिफिट रहेगा कि हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके अभी हमें सेम यहाँ पे सारे कौन से वाले नंबर को ऐड कर देना है, ये तो ये नंबर भी आप बाय मिस्टेक क्या कर देते हो, कभी ये लिखते हो, ये लिखते हो, ये लिखते हो, ये लिखते हो, ऊपर नीचे सब हो जाता है, बेटर देन क्या करो, पहले ये वाला लिख लो फिर ये वाला लिख लो, तो आप इजीली कुछ भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी। 800 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 20, तो अभी इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ का 0 को 0 ही आएगा। 6 प्लस 2 करेंगे तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितने रहेंगे, कितने आएंगे 8, देन 8 में 2 ऐड करेंगे 8, ये 8 में 1 तो 9, 9 में और 1 ऐड किया तो कितना हो गया 10, तो हमारा आंसर क्या आया 1080। यहाँ पर साइड में हम लिख देंगे 45 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 1080, तो ये हमें इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। और हम इस तरह से और भी बहुत सारे सम्स करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस होगी और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप मेरे से भी फास्ट कर पाओगे सम, है ना। मैं करूँ उससे पहले आप फटाफट नोटबुक में स्टार्ट कर देना है, कि वीडियो स्टॉप कर देना, फिर खुद करने की ट्राई करना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो देखना है, अदरवाइज खुद करने की ट्राई करनी है। ओके हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं, 3 नंबर। मल्टीप्लाई 9 52 है तो 50
थर्टी तो लिख दिया हमने। अभी आपको ऐसा लगेगा अभी दो जीरो लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा, तो 3000 होता है तो होता है, ऐसा तो नहीं कि ये तो अभी नहीं रहने देते हैं, ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिक्स फाइव थर्टी देन टू जीरो लेफ्ट रह गए, वो जीरो को हमें यहाँ पे लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 3000। नेक्स्ट सिक्स टू जा ट्वेल्व एंड देन ये वाला जीरो जो लेफ्ट रह गया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 60 × 2 = 120। फिर यहाँ पे 9 × 5 = 45 एंड जो लेफ्ट रह गया जीरो उसे रख देंगे, तो 9 × 50 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 450। देन नेक्स्ट है 9 × 2 = 18। अभी क्या करेंगे, चलो चलो फटाफट कौन कर रहा है मेरे साथ साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे 3000 पे प्लस 120 प्लस 450 प्लस 18। जो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ वो भी माइंड में रखना, फर्स्ट वाला है वो 4 डिजिट का है, ये दोनों 2 डिजिट के नंबर है और ये सॉरी 3 डिजिट के है और ये 2 डिजिट का है, तो इस तरह से लाइन में लिखना है। आप गड़बड़ कर दोगे, देखो बहुत सारे बच्चे कैसे लिखते हैं मैं बता देती हूँ, ऐसे 3000 फिर 120 फिर 450 एंड 80। देखो इस तरह से लिखोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, पूरा आंसर गलत आएगा, कि आप क्या क्या ऐड करोगे क्या सब करोगे वही समझ में नहीं आता। यहाँ पे हमें जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर लिखने हैं। यहाँ पे है 1000, 100, 10 एंड 1, तो 1 की प्लेस में 1 होना चाहिए, 10 की प्लेस में 10, 100 की प्लेस में 100, 1000 की प्लेस पे 1000। यहाँ पे 8 का 8 आएगा, ये करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके 8 का 8 5 2 प्लस 5 5 में 2 ऐड करो 6 एंड 7 7 में 1 ऐड करो 8 फिर 1 प्लस 4। देखो फिर यहाँ पे देखना कि ये 3 नंबर जो है और आगे है, तो आप कभी आप जल्दी जल्दी में 3 + 1 + 4 कर दोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा, ओके तो 1 + 4 = 5 एंड 3 का 3 हमारा आंसर क्या आया, हम यहाँ पे लिख देते 69 × 52 = 3588, ओके तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। इस तरह से नहीं लिखना है, बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजें करनी है, जितनी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ये 1000 की प्लेस, 100 की प्लेस, 10 की और 1 की प्लेस देख के हमें एडिशन भी करना है, मल्टीप्लीकेशन तो चलो आपने कर भी लिया, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से की, वो आंसर भी राइट था, बट क्या किया यहाँ पे आपने एडिशन में वो गड़बड़ कर दी, तो क्या हो जाएगा आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। 3 नंबर करेंगे हम, सॉरी 3 नंबर कर लिया, 4 नंबर 77 × 55। चलो अभी यहाँ पे भी सेम तरीके से करेंगे, पहले 10 और 1 को अलग कर देंगे, तो 70 + 7 देन 50 + 5, तो 77 हो गया और 50 + 5 दैट मीन्स 55। फिर बॉक्स बना लेते हैं, चलो अभी ऊपर का कौन सा नंबर लिखेंगे, ये वाला आएगा ऊपर, ये वाला आएंगे यहाँ, ओके ये वाले नंबर ऊपर लिखेंगे 77। यहाँ पे क्या आएगा 50 एंड 5, तो 55
यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 5। थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी, एकदम प्रॉपर तरीके से शांति से करना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 7 5 7 5 35। और फिर देखो यहाँ पे भी दो दो जीरो है, एक ही जीरो नहीं रखना है, दोनों जगह पे जीरो है तो 2 0 आएंगे यहाँ। ओके, फिर 7 5 का 35 का जीरो यहाँ पे, फिर 50 का जीरो हमने रख दिया, यहाँ पे भी 7 5 का 35। तो देखो यहाँ पे सेम नंबर आया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई 5 किया तो भी 350 आया, एंड 7 मल्टीप्लाई 50 किया तो भी 350 आया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर ही आता है। चलो अभी हम 7 5 का 35, देखो सब जगह पे क्या है, 35 35 35 35, ये 3500, यहाँ पे 350 350, एंड ओनली 35। तो पहले क्या समझना है हमें कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर 4 डिजिट का है 3500, देन 350, उसके बाजू में भी क्या है 350, और लास्ट में क्या है 35 ओनली। तो 35 को इस तरह से 10 प्लेस पे लिखना है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कर रही है आपको, अगर ये मिस्टेक कर दी आपने एडिशन करने में, सम रॉन्ग हो जाएगा आपका। 5 का 5 आएगा यहाँ पे, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13, 13 का 3 नीचे 1 होगा ऊपर 12, 5 प्लस 1 6, 6 में 3 ऐड करो 7 8 9, 9 में और 3 ऐड करो 10 11 and 12, 12 का 2 नीचे 1 होगा ऊपर 12, 3 प्लस 1 4। तो हमारा आंसर क्या है, 4235। हम इसे लिख देंगे यहाँ पे 77 मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू 4235। इस तरह से लिख देना है। तो ये सम 4 वाला भी हमने कंप्लीट कर दिया। 3 नंबर का भी अगर मैं बीच में आ रही हूँ तो आपको नहीं दिखाई दिया होगा, तो प्रॉपर तरीके से लिख लेना, कुछ भी नहीं करना है। एक बार समझ गए ना तो एकदम इजीली आप सारी चीजें कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने 10s और 1s को अलग किया, फिर ऊपर वाले नंबर को मतलब फर्स्ट वाले नंबर को हम ऊपर लिख देंगे, सेकंड मतलब स्लीपिंग लाइन में लिख देंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन में उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करा है, देन एडिशन करना है, तो हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। 4 and 3 and 4 हो गया, और भी है 5 करेंगे। 5 नंबर, यहाँ पे आपको थोड़ी सी फिर से ये देखो, ये 2 डिजिट है दोनों, 7
बट यहाँ पे अभी क्या हो गया कि वह थ्री डिजिट का नंबर है और लास्ट में वन डिजिट ही है, तो ये जो स्लीपिंग लाइन है वो वन ही बनेगा और जो स्टैंडिंग लाइन है वो थ्री बनेगा, थ्री पार्ट्स पड़ेंगे उसके क्योंकि हंड्रेड टेंस और वंस के कौन से बनेंगे, हंड्रेड टेंस एंड वंस। यहाँ पे 142 तो 142 भी हो जाएगा, तो 140 into अभी इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 5 5 500, 4 5 20 एंड ये 0 एंड 2 5 10। अभी जैसे हम उसमें चारों को हम ऐड करते थे वैसे इसमें भी 1 2 एंड ये 3 नंबर को हमें ऐड कर देना है। 500 + 200 + 10 यहाँ पे आया 0 1 5 2 5 + 2 7, हमारा आंसर क्या आया 142 × 5 = 710। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे जैसे उसमें दो कॉलम बनती थी, दो स्लीपिंग लाइन बनती थी, यहाँ पे एक ही स्लीपिंग लाइन, बट यहाँ पे थ्री डिजिट है तो यहाँ पे भी 1 2 3 बॉक्स बनेंगे और उसी तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट है
ये हो गए आपके। और दो सम है वो आपको होमवर्क में करने हैं, वो मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है आपका एच डब्ल्यू वन नंबर। सिर्फ दो ही सम दे रही हूँ मैं, टू मल्टीप्लाई वन 75 एंड सेकेंड नंबर है 4 मल्टीप्लाई 206। तो ये दो सम्स